तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, काफी अहम सीटें इस बार हैं, जैसे बनारस की है, गोरखपुर की सीट है। कैसे देख रहे हैं, क्या चुनाव तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी की गई है? भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी सातों चरणों के चुनाव लड़ रही है। छह चरण पूरे हो गए हैं और सातवां चरण जो है, ये सातवां द्वार चक्रव्यूह का माननीय नरेंद्र मोदी जी तोड़कर और आगे बढ़ेंगे। और ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, महायज्ञ हुआ है, और इसमें विजयी होकर बाहर निकलेंगे। और अंत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सीट है और गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ी हुई सीट है। और इन सभी 13 सीटों में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आज आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम 13 की 13 सीटें बहुत बड़े अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी लग रही थी पहले शुरू में कि शायद थोड़ा बहुत हम लोग उसमें कुछ कम मार्जिन रहे, लेकिन अब वो सीटें भी अच्छी हो गई हैं, जिसमें गाजीपुर से जो खबर आ रही है, गाजीपुर की सीट आज की डेट में हमारी बहुत अच्छी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे अंतर के साथ वो सीट भी हम जीतेंगे। सर, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, लोग जगह जगह पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। असल में इस देश में इतनी समस्याएं हैं, और जिस समस्या का समाधान माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वही समस्या का समाधान होता है। लगातार समस्याओं के समाधान में बाधा दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बनते चले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में हर घर नल योजना के माध्यम से सभी जगह घरों में तक पाइप वाटर पहुंचाने की व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ न कुछ ये लोग व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करके लोगों तक जल नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से, माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा और सबको जल सुलभ होगा। सर, लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में ध्यान लगाया है, जिसको लेकर के अब संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कह रहा है। आखिर इसमें हाय हाय करने की क्या बात है? इनको हर किसी मुद्दे पर हाय हाय करना है। ये तो सामान्य तरीके से जैसे पिछले 6 चरण चुनाव हुए, क्या उस चरण में जिस दिन मतदान था, क्या कोई गतिविधि नहीं थी? विपक्षी नेताओं की भी गतिविधि थी और हमारे प्रधानमंत्री जी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की गतिविधि थी। अब अंतिम चरण में भी ये शांति काल है, साइलेंस पीरियड है, इसमें शांति के साथ अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उपवास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और बोल नहीं रहे हैं, तो उसमें भी इनको परेशानी हो रही, पीड़ा हो रही, ये मेरी समझ से बाहर है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे लगता है कि वहाँ दैवी शक्तियों का कि वहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ऐसी जगह पर बैठकर शांति काल में वहाँ पर आराधना करना, और प्रधानमंत्री जी का दीर्घायु हो, अच्छा जीवन उनका चले, और उनके द्वारा भारतवर्ष समेत सभी दुनिया के लोगों का जन कल्याण हो सके, इसके लिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सर, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की तरक्की को मानता है लेकिन कांग्रेस नहीं मानती। देखिए, कांग्रेस तो कुछ भी नहीं मानेगी, और कांग्रेस के समय आप देखते हैं कि किस तरीके से इनके प्रधानमंत्री जी थे, तो कहते थे कि पैसे पेड़ पर तो नहीं लगते हैं, और किस तरह से अर्थव्यवस्था, हमारी जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया था। आज दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से बढ़कर 5वें नंबर पर आ गई है। कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है, इन उपलब्धियों को देश कितना मजबूत हुआ है। पाकिस्तान हमको धमकी दिया करता था कि हमारे पास एटम बम है, अब आज 2014 के बाद पाकिस्तान ने धमकी देना बंद कर दिया। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हुई हैं, बहुत हमने कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है कांग्रेस ने अपने आंखों में काली पट्टी नहीं, बहुत बड़ा पट्टा पहन रखा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उपलब्धियाँ और विकास के कार्य उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो
का धन्यवाद। कांग्रेस का मुझे ये